वो नशे करता था और गंदी गंदी बातें करता था, नौकरों के सामने इज्जत भी नहीं करता था। अभी उसने इंस्टा पे इतनी गंदी बात लिखी है। अल्लाह करम करे। ये देखा है, ये हाल कर दिया उसने। अगर हम नशा करें तो हम ठीक हैं, अगर नहीं करें तो फिर मौत के मुंह में जाएं, हमें मार दिया जाएगा। ये बताएं, इतनी गंदी बात उसने लिखी है ना, फिर मैं गलत औरत थी तो मुझे याद ही क्यों की थी उसने। धमकी सुने आपको दे रहे हैं? बहुत ज्यादा धमकी दे रहे हैं। आपको मारता भी था? दो तीन बार मारा भी है, गला भी दबाया उसने मेरा। कोई मुतालबा करना चाहेंगी आप? मैं उससे कुछ नहीं लेना चाहती थी, ना मुझे फेम की ज़रूरत है, लड़की को इज्जत की ज़रूरत होती है। मैंने सिर्फ उसे इज्जत मांगी है, मुझे मीडिया में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई शौक नहीं है। मैं बस चाहती हूँ मेरी खुला हो जाए, मेरे डिवोर्स हो जाए, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। वो इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा है, आगे वो कितनी गंदी बातें करेगा। मेरे पास सब प्रूफ है, वक्त पे मैं दिखाऊंगी, सारे प्रूफ है मेरे पास। कोई सुलह के लिए कोई पैगाम आया हो? मैं कोई सुलह नहीं करना चाहती, मुझे नहीं करनी। जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, मैं उसके साथ क्यों सुलह करूं? जो अपनी बीवी को कह रहा है इतनी गंदी बात कह रहा है, आप सब इंस्टा पे तो जाके देखें। सुलह नहीं करना चाहती, मुझे नहीं करनी। जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, मैं उसके साथ क्यों सुलह करूं? जो अपनी बीवी को कह रहा है इतनी गंदी बात कह रहा है, आप सब इंस्टा पे तो जाके देखें। और गंदी गंदी बातें करता था, नौकरों के सामने इज्जत भी नहीं करता था। अभी उसने इंस्टा पे इतनी गंदी बात लिखी है। देखा है, ये हाल कर दिया उसने। अगर हम नशा करें तो हम ठीक हैं, अगर नहीं करें तो फिर मौत के मुँह में जाएं, हमें मार दिया जाएगा। इतनी गंदी बात उसने लिखी है ना, फिर मैं गलत औरत थी तो मुझे याद ही क्यों की थी उसने। धमकी सुने आपको दे रहे हैं? बहुत ज्यादा धमकी दे रहे हैं। आपको मारता भी था? दो तीन बार मारा भी।